नमस्कार दोस्तों, ढाई आकर पोथी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हाथ की बनावट और आकार को देखकर आपके व्यक्तित्व की विशेषता को बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। तो चलिए जानते हैं हाथ का आकार और चरित्र। हथेली को देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी सफलता असफलता और आर्थिक पक्ष को आसानी से जाना जा सकता है। हम में से अधिकतर लोगों के हाथ की बनावट अलग अलग होती है। किसी आपने देखा होगा किसी की हाथ की बनावट मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी का चौकोर हाथ होता है, किसी का मांसल होता है। अब इनमें से कौन सा हाथ अच्छा होता है और कौन सा हाथ बुरा होता है, ये जानने के लिए हम आपके पास लाए हैं ये वीडियो। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का हाथ चौकोर होता है, जिस व्यक्ति का हाथ चौकोर होता है, हाथ की बनावट चौकोर होती है और उंगलियां जो होती है लंबी होती है, जैसे इन ये जो हम आपको हाथ दिखा रहे हैं इसमें उंगलियां लंबी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ का आकार चौकोर होता है और उंगलियां लंबी होती है, सख्त होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यवहारिक होता है, प्रभावशाली होता है, एकाधिकार वाला होता है और वो हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं आयताकार हाथ की। जिस व्यक्ति का हाथ आयताकार है और पतला है, ऐसा व्यक्ति कलात्मक होता है, रचनात्मक होता है, उसमें क्रिएटिविटी की क्षमता अधिक होती है और वो अपनी समझदारी और साहस से जीवन में बहुत सारी सफलताएं अर्जित करता है। इसी तरह जिस व्यक्ति का हाथ चपटा, जैसे ये आप देख रहे हैं चपटा होता है, कुदाल की तरह होता है, ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेचैन रहता है और जीवन में सदैव कुछ ना कुछ करने के लिए गतिशील रहता है। इस व्यक्ति का मन एक जगह नहीं टिकता है। नुकीला हाथ, आपने देखा होगा बहुत सुंदर हाथ की उंगलियां होती है, हाथ नुकीला होता है और गुलाबी रंगत लिए होता है, अंडाकार होता है, ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होता है, संवेदनशील होता है और ऐसे लोग प्रेम के प्रति ईमानदार होते हैं। जिन लोगों के हाथों में गांठ होती है, गांठदार हाथ होते हैं, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, धर्म के प्रति इनमें ज्यादा आस्था होती है। इसी तरह जिनके हाथ की हथेली लंबी होती है वो लोग स्पष्टवादी होते हैं, ये किसी को भी धोखा नहीं देते हैं और हर क्षेत्र में इनको भी सफलता मिलती है। हाथ अगर मोटी है, भारी है तो जीवन में सुख सुविधाएं अर्जित करते हैं, इनमें कई बार लालच भी आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ संकरी होता है तो समझ लीजिए कि वो अपनी बातों पर अमल नहीं करता, वो कभी भी आपको किसी भी मोड़ पर छोड़कर जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान में लंबी आकार, लंबी और गोल आकार वाली हथेली को अच्छा माना गया है। जिनका हाथ लंबा भी होता है और गोल भी होता है, मांसल भी होता है, ऐसे लोग जीवन में सफल रहते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, इनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान शांत मन से करते हैं। ये व्यवसाय हो या नौकरी, हर क्षेत्र में ऊंचाई पर रहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके हाथ का आकार कैसा है, मांसल है, पतला है, गोल है, और उस आधार पर आप अपने बारे में, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं।